प्रणाम आप सभी को। मैं आस्था मिश्रा अम्बेडकर नगर यूपी से। तो मैं फिर आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है पीसीओडी। जी बिल्कुल सही सुना आपने, पीसीओडी एक ऐसी बीमारी हो चली है जो आज के समय में आम बात हो गई है। आम बात यानी आम बात हो गई है, जैसे किसी को भी हो जा रही है, खास करके या किशोरियों को, जैसे हम उम्र की लड़कियां हैं इनको कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो या कुछ होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, या फिर अपनी डाइटिंग ठीक से ना रखने की वजह से। पीसीओडी की बीमारी मेन अपने डेली रूटीन को ना ठीक करने की वजह से ही होता है ना। तो पीसीओडी को हम झेल रहे हैं, उससे सफर कर रहे हैं, तो हम पीसीओडी को कैसे ठीक कर सकते हैं? आज आपको इस वीडियो में पीसीओडी को ठीक करने का पूरा उपचार अच्छे से पता चलेगा। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, मिस मत करिएगा, नहीं तो बहुत अच्छी जानकारी आपसे छूट जाएगी। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने बताया कि यह पीसीओडी जैसी गंभीर बीमारी या तो हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से होता है, या फिर अपने डेली रूटीन को ना ठीक रखने की वजह से होता है। अगर आपको पीसीओडी हो गया है तो आप कैसे उसको समझ पाएंगे कि मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है? पहला पॉइंट तो आपका आता है कि आपका पीरियड टाइम से नहीं आएगा, या आपके पीसीओडी की पहली निशानी है कि पीरियड तो हर महीने आता है, टाइम से आना चाहिए, तो आपका पीरियड टाइम पर नहीं आएगा, पीरियड मिस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, हेयर ग्रोथ हो जाएंगे आपके फेस पे, छोटे छोटे पे हेयर ग्रोथ होने लगेंगे। ठीक, तीसरा है आपके हेयर फॉल भी होंगे, यानी आपके बाल जो हैं नॉर्मल अच्छे रहते थे वह गिरने लगेंगे। तीसरा क्या हो, चौथा क्या होगा, आपका वेट बढ़ जाएगा, यानी आप मोटापे में आ जाएंगे, धीरे धीरे आपका वेट बढ़ता चला जाएगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है ना। तो ये सिम्टम्स आपकी पीसीओडी के लक्षण है। ठीक है, तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो हमें उसके लिए करना क्या चाहिए, ये चीजें सोचना बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए हमें दवाइयां ले रहे हैं, दवाइयां लेने से क्या पीसीओडी ठीक हो जाएगी? बहुत सारी लेडीजें सोचते हैं कि हम दवाइयां ले लेंगे, दवाइयों से हमारा ठीक हो जाएगा। तो जहां तक हमें पता है कि आपको पीसीओडी की अगर प्रॉब्लम है तो आपको मेन चाहिए अपने डेली रूटीन को ठीक करना, और दूसरा जो अभी हम बताएंगे आपको वह उपाय करना है जिससे आपकी पीसीओडी 110% गारंटी है कि ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो पहली बात तो आपको अगर पीसीओडी के ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए योगा, प्राणायाम करो, ये अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, ये सारे व्यायाम आप अपने डेली रूटीन में करो। ठीक है, दूसरा क्या है, आप 500 मीटर तो आप डेली चलो ही। ठीक है, आपको 500 मीटर तो डेली चलना ही चाहिए, उससे ज्यादा हो गया तो और भी अच्छी बात है। तीसरा क्या है, आपको अपने खाने में चेंज लाना है। आप बाहर की चीजों को, जैसे ये जंक फूड हो गए, इन सब चीजों को बंद कर देना है, ऑयली चीजें बंद कर देनी है। आपको घर पे चना, कच्ची प्याज, कच्ची चीजें आप खाना स्टार्ट करिए। अपने खाने में सैलेड और हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करिए, और आपको डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, छाछ, ये सारी चीजें शामिल करना। डेयरी प्रोडक्ट आप अपने खाने में जरूर शामिल करें। ठीक है, चौथा और इम्पोर्टेंट जो है, सबसे मेन जो है आपके लिए, आपको इस्तेमाल करना चाहिए सुकन्या केयर का 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड। जी हाँ बिल्कुल सही आपने सुना, यह 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड है जिसके इस्तेमाल से महिलाओं में होने वाली पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम या वजाइना से रिलेटेड प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो रही है। तो यह है हमारे सुकन्या केयर का 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड का एक पैड जिसके ऊपर लगा है एनायनचिप। यह एनायनचिप एंटीबैक्टीरियल एनायनचिप है जो हमारे पीएच को मेंटेन करता है और हमारे वजाइना से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करता है। देख लीजिए अच्छे से, यह एंटीबैक्टीरियल एनायनचिप
स्कैन चिप है। इसके इस्तेमाल से बहुत सारी महिलाओं को पीसीओडी जैसी और यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम से छुटकारा मिला है। तो अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए एक बार सुकन्या केयर का 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड। इस्तेमाल करते हैं तो आपका तो पहली बात पीसीओडी ठीक ही होगा, दूसरी बात आपका पीरियड टाइम पे आएगा। आपको अगर वजाइना से रिलेटेड जैसे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है या क्लॉट्स आते हैं, पीरियड के टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो यह आपके पीरियड क्रैम्प्स को खत्म करता है। ठीक है, यूट्रस से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है जैसे बच्चेदानी में गांठ हो गया, कैंसर हो गया, वह भी जड़ से खत्म करता है। तो अब बात आती है कि हम इसे मंगाएं तो मंगाएं कैसे, क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर होगा तो वह डुप्लीकेट होगा। आप इसे अच्छे से देख लीजिए, इसमें एनायन चिप लगा होता है या बिल्कुल भी मोटा नहीं होता है, पतला सा होता है, आपको लेने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराता है। इसको ऑर्डर करने के लिए आपको नॉर्मली चीज़ें करनी होगी, दिए गए नंबर पर कॉल करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं कि कैसे इस्तेमाल करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, आप उससे मंगा सकते हैं। और नॉर्मली तो हर लड़की पैड इस्तेमाल ही करती है, तो यह हमारा पैड जो है यह टोटली टिश्यू पेपर से बना है। इसको इस्तेमाल करने से हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर होगी ही नहीं। ठीक है, तो आप लोग पैड इस्तेमाल ही करते हो तो क्यों ना अच्छा वाला पैड इस्तेमाल किया जाए, साथ ही साथ अपनी बीमारी को भी भगाया जाए। तो दिए गए नंबर पे जल्दी कॉल करें और मंगाएं इस पैड को। धन्यवाद आप सभी का।